हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ा और नोडल एनालिसिस कैसे यूज करते हैं सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में हमने देखा था। और लास्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि व्हीटस्टोन ब्रिज, आई मीन व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, 4 कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, है ना, और उनमें से क्या होगा, जब ब्रिज बैलेंस होगा तो आपको ये पूछा जाए कि फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ एनी वन कैपेसिटर इफ द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कैपेसिटर्स इज गिवन। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर सकते हैं। प्लस बहुत ही टाइम कि बहुत हेल्पफुल होता है, कब, व्हेन एवर यू वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। जब भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिख जाए और तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बोला भी था कि आप लोग इसको ट्राई करना, शायद हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आई थिंक रविराज ने मुझे इसका केवल आंसर बताया और किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, है ना। खैर, तो आपका प्रॉब्लम है, तो आइए हम देखते हैं। देखो क्या है, इसको भी हम दो तरह से सोच सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ से भी सोचेंगे और नोडल एनालिसिस यूज करके भी सोचेंगे। एक तो सीरीज पैरल से भी हम सोच सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ हमने क्या किया, देखो बैटरी दिया हो या नहीं दिया हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एक बैटरी कनेक्ट कर लिया है। अब क्या है, इसमें भी पूछा जा सकता है कि ए और सी के क्या है बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो, ये भी पूछा जा सकता है। बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए क्या दिया हुआ है, 4 कैपेसिटर्स है, C1, C2, C4, C3 एंड क्या है C4। आपको सबसे पहले इनको क्या किया गया है, अब ए और सी को क्या किया, पॉइंट ए एंड सी को बैटरी से क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है ए से कनेक्टेड है नोड, और निगेटिव टर्मिनल जो है वो नोड सी से कनेक्टेड है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड चार्ज सप्लाई बाय द क्या होगा बैटरी एज शोन इन द फिगर। पहले क्या है, चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। तो एक तो हम ऐसे भी निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो मेथड क्या होगा वन। इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं कि चार्ज सप्लाई क्या होगा, चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इनटू क्या होगा वी। हम जानते हैं ये इक्विवेलेंट क्या होता है, सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टर्मिनल्स ऑफ द क्या होगा, ऑफ द बैटरी। आई मीन बैटरी को क्या करो, ओपन कर दो और बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच क्या करो आप, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। वी क्या है, ईएमएफ ऑफ द क्या है, बैटरी। ये आप जानते हैं ईएमएफ ऑफ द क्या होगा, ऑफ द बैटरी। और क्यू क्या है, चार्ज सप्लाई बाय द क्या है, चार्ज सप्लाई बाय द क्या है, बाय द बैटरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, सी ए सी। अब ध्यान से देखना कि सी ए सी में आप देखोगे तो ये वाला दोनों जो है क्या है, ये वाला दोनों जो कैपेसिटर है वो क्या है, सीरीज में है क्या, और ये दोनों जो कैपेसिटर है वो भी क्या है, सीरीज में है। क्यों, क्योंकि इन पे दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, इन दोनों पे चार्ज भी क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि C1, C2 आर इन क्या होगा, आर इन सीरीज। तो यहां लिख सकते हैं C1, C2 अपॉन क्या होगा, C1 plus C2। सिमिलरली C3 एंड C4 आर इन क्या होगा, आर इन सीरीज, ठीक है, क्या है, आर इन सीरीज। तो C3 C4 मैंने मान लिया, तो C3 C4 अपॉन क्या हुआ,
सी थ्री प्लस क्या हुआ सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये दोनों मालूम चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वैलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वैलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करोगे आप, तो आप क्या कर सकते हो, एक इक्वैलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, और इक्वैलेंट सर्किट ड्रॉ करने के बाद हम आसानी से सी इक्वैलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अब ऐसे सर्किट होगा, क्या हो जाएगा, एक कैपेसिटर ए हो गया, दूसरा कैपेसिटर क्या हो गया, ए हो गया, उसके इक्वैलेंट सर्किट ये क्या है, सी वन टू, और ये क्या हुआ सी थ्री फोर, और यही सी पॉइंट हो गया, और ये क्या हुआ ये पॉइंट, इधर बैटरी कनेक्टेड है। एक बार और भी आप क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट, हम क्या लिख सकते हैं, सीपी, सीपी इक्वल टू क्या होगा सी वन टू प्लस सी टू थ्री, ठीक है, और बैटरी। अब यहां से आप चार्ज लिखा कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हो, क्यू, क्यू इक्वल टू कितना होगा, क्यू इक्वल टू कितना हुआ, देखो ध्यान से, सीपी इंटू क्या हुआ वी, तो क्यू इक्वल टू आप सीपी का वैल्यू रख सकते हैं। तो यहां से चार्ज क्या हुआ मालूम चल गया। अब इसके बाद पूछा गया है, क्या है पूछा गया है कि चार्ज, कि हर कैपेसिटर पे चार्ज कैलकुलेट करो, तो आप उसको भी आसानी से क्या कर सकते हो, देखो क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, अब मैंने बताया है ये चीज भी, अब देखो तो यही चार्ज क्या है, यही चार्ज Q है, इधर जो चार्ज होगा वो क्या होगा Q1, और इधर क्या होगा Q2, तो आप Q1 भी कैलकुलेट कर सकते हो। Q1 का मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 एंड 2, बिकॉज कैपेसिटर 1 एंड 2 आर इन सीरीज, तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q C1 2 अपॉन क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, उसी तरह क्या होगा Q2 इक्वल टू क्या होगा Q C3 C4 अपॉन क्या होगा C1 प्लस सॉरी C3 प्लस C, तो ये चार्ज भी मालूम चल गया, क्या हुआ चार्ज भी मालूम चल गया। ये क्या है, चार्ज ऑन क्या है, चार्ज आई मीन चार्जेज, चार्ज ऑन क्या होगा, चार्ज ऑन C1 एंड C2, सिमिलरली ये क्या है, चार्ज, चार्ज ऑन क्या होगा C3 एंड C4, मालूम चल गया C1 C2 का सबका वैल्यू मालूम, C देखो इधर वैल्यू रख दो Q का यहां से, तो चार्ज क्या होगा मालूम चल गया। अब अपने को क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्या है पोटेंशियल कैलकुलेट, तो आते हैं फिर से, मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं, पोटेंशियल किसके किसके बीच कैलकुलेट करना है, देखो यहां से फिर से मैंने सर्किट क्या किया, ड्रॉ कर दिया, यही सर्किट, अब ये बैटरी, यही ए पॉइंट है, ए सी है, और ये क्या है बी, और दिस इज डी, इधर ए क्यू वन, ए क्यू वन, क्यू टू, इधर भी क्या है क्यू टू। अब देखो यहाँ तो आप आसानी से ये लिख सकते हो, चार्ज मालूम चल गया, देखो तो कैसे हम सोचेंगे, यदि इसको हमने ई एम, अब देखो तो वी ए, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वन अपॉन क्या हो जाएगा सी वन, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लेट, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव प्लेट हो जाएगा, उसी तरह ये पॉजिटिव, और ये क्या होगा निगेटिव प्लेट, उसी तरह हम लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी डी इक्वल टू क्या होगा Q2 अपॉन क्या लिखेंगे C3, लिख सकते हैं, ये आसानी से लिख सकते हैं। अब किसी को एक को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो VB माइनस VD इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 अपॉन C3 माइनस Q1 अपॉन क्या होगा C3। अब देखो Q1 का वहां वैल्यू रखा हुआ है, क्या है वैल्यू रखा गया, यहाँ हमने गलत लिख दिया है ना, ये क्या हो जाएगा, देखो सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान यही कर देना, क्या है कि C1 ये I mean कितना हो जाएगा C1 T
ठीक है, C12 प्लस क्या हो जाएगा C34, यहाँ क्या हो जाएगा C12 प्लस क्या हो जाएगा C34, वो हमने थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। C12 का वैल्यू आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो C12 यहाँ लिख सकते हो, C12 इक्वल टू C1 C2 अपॉन क्या होगा C1 प्लस C2, C2 C3 इक्वल टू क्या होगा C3 C4 इक्वल टू क्या होगा C3 C4 अपॉन C3 प्लस क्या होगा C4। ये अपने को मालूम है ना। अब यहाँ VB माइनस VD इक्वल टू कितना होगा, देखो Q2 का वैल्यू रखो, तो Q2 बाई क्या लिखना है आपको, Q2 बाई C3 यही लिखना है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना होगा Q2 बाई C3, यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा Q C4 अपॉन क्या हो जाएगा Q C4 अपॉन कितना होगा C1 C2 प्लस C3 4, यही होगा ना। देखो यहाँ से वैल्यू रखोगे, C3 को इधर से C3 यहाँ क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे C3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से C3 डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा माइनस, उसी तरह क्या हो जाएगा माइनस Q अपॉन क्या हो जाएगा C2 अपॉन क्या हो जाएगा C कितना हो जाएगा, हम गलत लिख रहे हैं ना, गलत क्या लिख रहे हैं देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू Q, पहले मैं वैल्यू रख देता हूँ, देखो C3 4 अपॉन C12 प्लस C34 माइनस क्या हो जाएगा C12 अपॉन C12 प्लस C34, ठीक है। आप इसमें से Q अपॉन C12 प्लस C34 कॉमन ले लो, तो अब C3 का वैल्यू, तो C3 ठीक है, और ये मिस कैलकुलेशन, Q2 का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा Q अपॉन C3 C1 C2 प्लस C3 C4 इंटू, उसके बाद क्या लिखेंगे C3 4 अपॉन C3 माइनस C12 अपॉन कितना लिखेंगे C12 अपॉन C1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा C12 प्लस C34 इक्वल टू, यहाँ रखोगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ C4 अपॉन क्या हो जाएगा C3 प्लस C4 माइनस क्या हो जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2। यही आपको क्या मिल गया, पोटेंशियल क्या हो गया मालूम चल गया है ना, क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल गया। अब आपसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अब देखो क्या होगा कि आइदर क्या हो सकता है, VB क्या हो सकता है, VD से क्या हो सकता है। अब इसको और थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें तो देखो ये क्या हो जाएगा VB माइनस VD इज इक्वल टू क्या होगा इज इक्वल टू Q अपॉन C12 प्लस C34 इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इंटू क्या होगा C3 C4, ठीक है, इंटू यहाँ लिख सकते हैं C1 C4 माइनस क्या लिखेंगे माइनस C2 C3, ठीक है, ऐसे लिख सकते। अब क्या होगा देखो, इफ हम लिख सकते हैं, इफ क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं व्हेन क्या होगा, व्हेन क्या होगा VB इज ग्रेटर देन क्या होगा VD, देन क्या होगा देन C1, ऐसे लिख सकते हैं, इफ ऐसे लिख सकते हैं, इफ क्या होगा C1 इंटू C4 इज ग्रेटर देन क्या होगा C2 C3, कभी भी पूछा जाता है, देन क्या होगा देन VB क्या होगा VB विल बी देन VB
इज ग्रेटर देन क्या होगा वी डी, ठीक है। दैट इज इफ वी क्या होगा इफ वी कनेक्ट कनेक्ट एनी कंडक्टिंग कंडक्टिंग वायर वायर बिटवीन बी एंड डी देन पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल आई मीन फ्रॉम क्या होगा बी टू क्या होगा डी वाइल नेगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम। तो कभी कभी क्या होगा ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि दोनों पॉइंट में से कौन हायर पोटेंशियल पे है, तो आप आसानी से यदि रिजल्ट आपके माइंड में है तो आप बता सकते हो, नहीं तो ये रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चार्ज नहीं कैलकुलेट करके दोनों कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके भी बता सकते हो। फ्लो फ्रॉम क्या होगा व्हाइल नेगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम डी टू क्या हो जाएगा डी टू बी, ठीक है। उसी तरह क्या होगा एक पूछा जाता है, उसी तरह पूछा जाएगा कि इफ क्या होगा सी टू सी थ्री इज ग्रेटर देन क्या होगा सी वन सी फोर देन क्या होगा देन वी बी इज ग्रेटर देन क्या होगा वी डी। उसके बाद पूछा जाए कि इफ क्या होगा इफ सी वन सी फोर इज इक्वल टू क्या होगा सी टू सी थ्री देन क्या हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो दिस इज कंडीशन ऑफ क्या होगा आई मीन यदि ऐसा हो जाए तो दोनों जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आपसे कभी कभी कंडीशन पूछा जाएगा कि क्या होना चाहिए कि इफ क्या होगा वी बी इज आई मीन सी वन सी टू सी वन सी फोर इक्वल टू क्या होगा सी टू सी टू इंटू क्या होगा सी थ्री, तो क्या हो जाएगा जो ये क्या होगा ब्रिज जो होगा वो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा कंडीशन फॉर क्या होगा कंडीशन फॉर क्या होगा फॉर बैलेंस है यहाँ लिख देता हूँ क्या होगा हैंस क्या होगा व्हीट स्टोन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। अब क्या होगा जब आपको भी जब ए क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा तो बी और डी का क्या हो जाएगा पोटेंशियल सेम हो जाएगा आई मीन जब आप कोई भी कनेक्टिंग वायर कंडक्टिंग वायर को उन दोनों पॉइंट के बीच कनेक्ट करोगे तो कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा किसी भी चार्ज क्या होगा फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देने हैं क्या होगा कंडीशन पूछा जाएगा कंडीशन फॉर क्या होगा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होगा देखो सी वन सी फोर इक्वल टू क्या होगा सी थ्री सी टू ये इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। यदि ऐसा है तो क्या हो जाएगा आपको क्या है आपको क्या करना पड़ेगा कि आसानी से सीरीज पैरेलल के लिए क्या है रिजल्ट यूज करके आप कैपेसिटर क्या कर सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या कर सकते हो कनेक्ट कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं इसमें एक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम देखेंगे। तो कभी कभी भी पूछा जाता है देखो इसके बाद जो है अभी ऐसे एग्जाम्पल ये पूछा जाएगा देखो क्या है कि यहाँ दिया हुआ है ये वेरिएशन पूछा जाता है ठीक है ये
ये क्या है बी, दिस इज डी, दिस इज ए और दिस इज क्या होगा सी। और यहाँ एक क्या है कैपेसिटर, हमने क्या किया सी फाइव कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया सी वन सी टू सी फोर सॉरी सी थ्री सी फोर। देखो केवल याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इन अपोजिट आर्म मस्ट बी क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट फॉर बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। क्या होना चाहिए बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है क्या होगा कि इफ क्या होगा इफ, ये अगला पॉइंट है इसी में, इफ विथ स्टोन है ना विथ स्टोन ब्रिज इज क्या होगा बैलेंस देन वी कैन देन या ऐसे लिखे वेन लिखो वेन वेन व्हिच स्टोन ब्रिज इज बैलेंस देन इफ वी क्या होगा वी इंटरचेंज इंटरचेंज द क्या होगा द पोजिशन पोजिशन ऑफ बैटरी एंड सी फाइव देन एंड बैलेंस एंड ऐसे लिखेंगे एंड इफ वी इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ बैटरी एंड सी फाइव कैपेसिटर देन बैलेंस बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज विल बी अनअफेक्टेड विल बी अनअफेक्टेड। आपको ये माइंड में रखना है कि जब भी क्या होगा एआईटी में आया होगा पूछा होगा क्वेश्चन है कि जब भी क्या होगा यदि वीट स्टोन ब्रिज क्या है बैलेंस है तो इसके कैपेसिटर आई मीन सी फाइव और वी को हम क्या कर सकते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं एंड इफ यू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड सी फाइव कैपेसिटर देन बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज विल बी अनअफेक्टेड आई मीन इंटरचेंज करने से बैलेंस का जो कंडीशन है वो क्या होगा अनअफेक्टेड होगा उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है माइंड में रखना है। अब क्या होगा कि जब भी क्या होगा कि उसके बाद तो जब क्या होगा कि अब ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं जैसे एक एग्जांपल देखो इसमें है ना, जैसे यहां देखो इसका यूज कैसे करेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि ए एंड बी के बीच क्या करो क्या करो, सबका वैल्यू क्या दिया है सी 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 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया कि फाइंड क्या है फाइंड सी ए बी, ठीक है सी ए बी। अब देखना यदि मैं इसको क्या मान लूँ सी वन मान लूँ, इसको सी टू मान लूँ, इसको इसको क्या मान लूँ सी फोर और इसको क्या मान लूँ सी थ्री, तो देखना ये क्या हो जाएगा ये वाला जो कैपेसिटर होगा आई मीन क्या हो जाएगा ये वाला कैपेसिटर जो होगा क्या हो जाएगा इनइफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ सी और डी पे पोटेंशियल क्या होगा वी सी इज इक्वल टू क्या होगा वी डी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा क्योंकि सी वन सी फोर इक्वल टू क्या है सी टू सी थ्री। अब हम क्या करेंगे सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो देखो सर्किट ऐसे हो जाएगा क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है ए सी 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 सी।
अब ये कितना देखो, ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ये भी सीरीज में हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो ये पॉइंट सी, यहाँ तीन कैपेसिटर हो जाएंगे, ए सी बाई टू, ए भी सी बाई क्या हो जाएगा टू, और ये क्या हो जाएगा सी, ए ए हुआ और क्या हुआ बी हुआ। तो आप आसानी से देखो, अब ये कितना हो जाएगा, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे तो देखो यहाँ क्या हुआ, ए और बी, तो यहाँ यदि हम सी ए बी कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, आई थिंक टू सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, बैलेंस बीट दूसरा दिया हुआ है, क्या है एग्जाम्पल देखो, दिया हुआ है फोर माइक्रो फैराड, सिक्स माइक्रो फैराड, और ये क्या है टेन माइक्रो फैराड, और यहाँ सी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है फाइंड द, क्या होगा, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू ऑफ सी इफ व्हीट स्टोन ब्रिज इस क्या होगा बैलेंस, व्हीट स्टोन ब्रिज इज क्या होगा बैलेंस। तो बैलेंस होगा तो सबसे पहले आप कंडीशन लिखोगे, क्या लिखोगे, कंडीशन क्या है, कंडीशन कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इन अपोजिट आर मस्ट भी क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट। तो 4 इंटू क्या होगा, आई मीन सी वन सी फोर इक्वल टू क्या, सी टू सी थ्री। सी फोर कितना है देखो, 4 आई मीन 4 इंटू 10 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी इंटू 6। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 20 अपॉन 3 आई मीन 6.66 क्या होगा, 6 माइक्रो फैराड क्या होगा आंसर। ठीक है, 6.6 माइक्रोफेराड क्या होगा आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे क्या है पूछा जाता। उसके बाद और भी एक एग्जांपल देख लो, ऐसे ए है और ये क्या है बी है, सी 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 सी। आपसे अगेन क्या पूछा गया है कि फाइंड क्या होगा, फाइंड फाइंड इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड क्या होगा, ए एंड। ठीक है, ए एंड बी के बीच आपसे क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है, और आपको ये आप होमवर्क लिख लो, है ना, होमवर्क लिख लो, ट्राई कर लेना घर पे। दूसरा एग्जांपल और लिख देता हूँ मैं, ये सबको क्या करना आप ट्राई कर लेना। ठीक है, ए और एक है बी है,
इसमें भी आपको क्या है, सबका कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है, सी सी दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है फाइंड, यहाँ भी फाइंड क्या है, फाइंड सी ए बी। तो इसको आप फिर से क्या करना, खुद से कैलकुलेट कर लेना, ये भी होमवर्क लिख लो, ठीक है। उसके बाद एक सबका कैपेसिटेंस क्या है, सी, ठीक है। ए और बी है, आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड फाइंड ए में क्या है, चार्ज ऑन क्या है, ईच कैपेसिटर, और बी में क्या है, पोटेंशियल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑफ क्या है, ईच कैपेसिटर, ठीक है। आपसे दो चीज ये भी आप होमवर्क लिख लेना, घर पे क्या करना, ट्राई कर लेना, ठीक है। तीन क्वेश्चंस जो है मैंने होमवर्क दे दिए, आप इसको खुद से ट्राई करना, आप इसका सॉल्यूशन मुझे भेज करके आप चेक भी करा सकते हो, यदि पॉसिबल है आपके लिए, संभव है तो, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। उसके बाद कुछ एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, जो एच सी वर्मा में दिया हुआ है शायद, देखो, और ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि सिंपल क्वेश्चन है और कंफ्यूजन भी होगा आपको। यहाँ क्या है, यहाँ एक स्विच रखा गया है, देखो ध्यान से, स्विच है ये सी सी सी, और यहाँ बैटरी एक कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, बहुत ही सिंपल है ये, एच सी वर्मा का भी क्वेश्चन है एच सी में, तो डाउट भी था, मैंने शायद सीट भेजा था तो कुछ लोगों का ये डाउट भी था, और तो आप इसको देखो क्या है कि आपसे पूछा गया है कि फाइंड फाइंड ए में क्या है, चार्ज चार्ज सप्लाई सप्लाई बाय द क्या होगा, बैटरी, फाइंड चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी व्हेन व्हेन ए में क्या है, स्विच स्विच इज क्या है, ओपन, बी में क्या है, स्विच इज क्या है, क्लोज, क्या है, स्विच क्या है, ओपन, और बी में क्या है, स्विच क्या है, क्लोज है। तो देखो क्या है कि जब आप ओपन करोगे तब क्या होगा, हमेशा जो चार्ज फ्लो होता है, यदि हमेशा याद रखना है कि व्हेन एवर देयर इज नो चार्ज फ्लोइंग, देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, या देयर इज नो चार्ज, हाँ, देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, देन कैपेसिटर विल बी क्या होगा, इनएक्टिव, क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जब भी क्या होगा, तो आपको बस एक ही पॉइंट याद रख लेना, यहाँ नोट में ये लिख लेना है ना, कि व्हेन एवर क्या होगा, व्हेन एवर चार्ज ऑन क्या होगा, कैपेसिटर कैपेसिटर इज जीरो, देन कैपेसिटर विल बी क्या होगा, विल बी इन एक्टिव इन द क्या होगा, इन द सर्किट, सर्किट में क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब यही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसे सोचो कि ये क्या है कि आप इस होटल में गए हो और आपने खाना खा लिया है,
और उसके बाद आपको कुछ भी दिया जाए तो आप बोलोगे नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं खाना खा चुका हूँ। तो वही चीजें हैं क्या कि यहाँ भी क्या है कि जैसे ही क्या होगा इस पे चार्ज क्या होगा जीरो हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। आई मीन क्या होगा, सर्किट में कनेक्टेड रहेगा लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा। तो हम मानेंगे कि सर्किट में क्या है वो है ही नहीं। तो इन दिस सिचुएशन वी कंसीडर दैट द कैपेसिटर इज नॉट, क्या होगा, इन दिस सिचुएशन वी कैन एज्यूम दैट कैपेसिटर इज नॉट प्रेजेंट इन द, क्या होगा, इन द सर्किट, क्या होगा, नॉट प्रेजेंट इन द, क्या होगा, सर्किट। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा व्हेन, कि व्हेन क्या है, स्विच क्या है, ओपन है, तो जब स्विच ओपन होगा तो सर्किट कुछ ऐसे होगा, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब स्विच ओपन होगा तो देखो हम आसानी से मैं ये बता सकता हूँ क्या होगा, सी सी सी, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ हम लिख सकते हैं ये भी हो गया, तो क्यू इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा, 2C, तो आई थिंक 2C/3 कितना हो जाएगा, 2C/3 इंटू भी हो जाएगा डायरेक्ट। तो दिस इज द चार्ज सप्लाई बाई द, क्या होगा, बैटरी। अब क्या होगा, वर्क डन बाई, क्या होगा, वर्क डन बाई द, क्या होगा, बाई द बैटरी। तो इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू क्या होगा, EMF ऑफ द, क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस का क्या हुआ आंसर मालूम चलेगा। कहीं भी स्विच दिया हुआ है तो आपको ये माइंड में रखना है कि क्या होगा, कि स्विच क्या होगा, जैसे ही क्लोज करेंगे तो उसके पैरेलल में जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा, कहीं भी आप क्या करोगे, स्विच कनेक्ट करोगे। अब जब क्या होगा, स्विच, अब हम क्या कर रहे हैं, स्विच क्लोज कर दे रहे हैं, तो जब स्विच क्लोज कर दोगे तो सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा। तो आई मीन बी में क्या है कि व्हेन, क्या होगा, व्हेन स्विच इज क्या होगा, क्लोज्ड, तो कुछ सिचुएशन क्या होगा ऐसा। अब देखो क्या होगा, चार्ज होगा, क्या हो जाएगा, चार्ज होगा, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, चार्ज इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इसका काम क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, ऐसे ही बोल सकते हो कि क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यही क्या हो गया आपका सर्किट। अब यहाँ सी सी और ए भी हुआ, तो यहाँ यदि आप चार्ज कैलकुलेट करोगे Q, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू 2C इंटू क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अगेन क्या होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाई द, क्या होगा, बाई द बैटरी, आई मीन W कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई द बैटरी, तो कितना हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा, V, आई मीन 2C V। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखा होगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी क्या होगा, बैटरी कनेक्टेड होगा तो क्या हो जाएगा, स्विच होगा, तो स्विच यदि ओपन करेंगे क्लोज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा, आपको ये चीज दिमाग में रखना है। इससे आप रिलेटेड एक दूसरा मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना, है ना, कि प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, कभी कभी क्या है, आपसे पूछा जाए कि वर्क डन ऑन द बैटरी कैलकुलेट करो। तो बैटरी का देखो दो तरह से काम होता है, एक तो क्या होगा, कभी कभी क्या करेगा, वो चार्ज सप्लाई भी करता है और कभी कभी चार्ज को एब्जॉर्ब भी करता है, आई मीन सोर्स की तरह और सिंक की तरह बिहेव करता है। तो कॉन्सेप्ट वही होगा, यहाँ क्या होगा, चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इंटू EMF, वहां क्या होगा, चार्ज एब्जॉर्ब बाय द बैटरी इंटू EMF इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द, क्या होगा, वर्क डन ऑन द बैटरी, ठीक है। तो ये आपको केवल माइंड में रखना है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, होमवर्क, देखो ये सी 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 वी
फाइंड क्या होगा, चार्ज सप्लाई बाय द क्या होगा, बाय द बैटरी व्हेन क्या होगा, व्हेन ए में क्या होगा, स्विच इज क्या होगा, ओपन, डी में क्या होगा, स्विच इज क्या होगा, क्लोज्ड। दोनों केस में आप क्या करना, आसानी से इसको सॉल्व करना। तो दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है ग्राउंडिंग से रिलेटेड, तो भी मैं बता देता हूँ। देखो मोस्टली क्या है, एच सी वर्मा का सभी न्यूमेरिकल अभी डायलेक्टिक छोड़ करके आसानी से सभी न्यूमेरिकल आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सभी न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये दिया हुआ है एक एग्जाम्पल देखो, और इसमें भी आपको क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो कई तरह से नोडल एनालिसिस में मैंने क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या करो, जीरो मान लो। जैसे यहाँ हम जीरो मान लें, यदि इसी को नोडल एनालिसिस को हम ही मान लें, यहाँ क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जीरो पोटेंशियल मान लें इसको, जीरो पोटेंशियल, ऐसे भी सोच सकते। तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा ऑफकोर्स क्या होगा, वी होगा, तभी तो वी माइनस जीरो इक्वल टू वी होगा। तो इससे भी क्या होगा, नोडल एनालिसिस से क्या होगा, प्रॉब्लम जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको कभी कभी ये चीज भी क्या करना है, ध्यान में रखना रहता है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल दे, ठीक है, यहां यहाँ जो पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ मान लो कि यहाँ दिया हुआ है वी वोल्ट, वी ए सी 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 क्या है सी, ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल कहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ से अगेन क्या किया गया है, दो कैपेसिटर को कनेक्ट करके यहाँ ग्राउंड कर दिया गया है। ये मान लो कि ये भी सी है और ए सी है। अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पोटेंशियल ए, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पोटेंशियल बताओ, यहाँ सी मान लो, यहाँ डी मान लो, सी और डी पे पोटेंशियल बताओ, ठीक है, या चलो इसको मान लेते हैं पी एंड क्या है क्यू। देखो ये क्या है, इस एंड को हमने क्या किया है, ग्राउंड कर दिया है। तो आपसे तो पूछा जा सकता है कि फाइंड चार्ज ऑन क्या होगा ईच कैपेसिटर, क्या है, फाइंड, यहां लिख सकते हैं फाइंड क्या होगा, फाइंड चार्ज ऑन क्या होगा, ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। पोटेंशियल एट क्या होगा, अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा, एट पॉइंट पी क्यू एंड क्या होगा ए, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है, यहां भी दिया हुआ है। अब आप देखोगे ध्यान से, यहां बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन, तो ये वाला जो कैपेसिटर होगा वो क्या हो जाएगा, सर्किट से हम क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा, देखो दिस इंटू दिस, इसको यदि हम सी वन मान लें, इसको क्या मान लें सी टू मान लें, इसको सी फोर मान लें, और इसको क्या मान लें सी थ्री मान लें, तो सी थ्री इंटू सी टू इक्वल टू सी वन इंटू क्या सी फोर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इनएक्टिव हो जाएगा। आई मीन हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं, बाई सिमेट्री वी पी इज इक्वल टू क्या होगा वी क्यू हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, आप रिमूव कर दो सर्किट से, क्यों, इसका कोई काम नहीं, अब तो आसान हो गया प्रॉब्लम। अब क्या हो गया, सर्किट देखो ध्यान से, सर्किट जब ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो ए और ए सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा, सी बाई क्या हो जाएगा टू, अगेन क्या हुआ ई बी सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा सी बाई टू, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ग्राउंड कर सकते हो, ठीक है। अब यही पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, अगेन वी वोल्ट हो गया यार, ये कितना हो जाएगा ए सी सी, तो सर्किट ड्रॉ करते जाओ।
तो कभी कभी क्या है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि कंफ्यूज होना कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक ही कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, हाई फाई कोई कॉन्सेप्ट है। अब इसको सर्किट को आप रीड्रॉ ऐसे भी कर सकते हो, तो देखो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा C by 2 कितना हो जाएगा C हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ C, अगेन ये क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2C, ठीक है, और ये क्या होगा ग्राउंड हो गया, यही पॉइंट ये हुआ और ये पॉइंट क्या हो गया, क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब आप चार्ज तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो यार, जैसे ही चार्ज मिल जाए तो देखो, तो यहाँ ध्यान से इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, यहाँ पोटेंशियल ये भी हो गया, ये कितना हो जाएगा, अब देखो ये सीरीज में हो जाएगा क्या, तो 2C by क्या होगा 3 हो जाएगा, तो Q equal to क्या होगा 2C by 3 भी मालूम चल गया। अब तो उसके बाद आप आसानी से क्या कर सकते हो, सभी पे क्या कर सकते हो, देखो जैसे ही ये मालूम चल गया चलेगा, ए पे पोटेंशियल मालूम चल गया, ए पे पोटेंशियल कितना होगा बताओ, देखो यही चार्ज क्या हो जाएगा इक्वली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा CV by 3, तो ए पे पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आप हर जगह पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक ये भी है कि ग्राउंड किसी भी पॉइंट का दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ वी वोल्ट का मतलब क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पोटेंशियल दिया हुआ है वी वोल्ट, क्या दिया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल, यहाँ क्या दिया हुआ है वी वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि एक लैडर प्रॉब्लम होता है जिसमें क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।